वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं रिच डैड पुअर डैड अध्याय नंबर 3। अगर दोस्तों आपसे कोई कहे तू पैसा नहीं कमा सकता, तू ये नहीं कर सकता, तो दोस्तों आपको कैसा फील होगा? दोस्तों आपको ज़्यादातर तो लगेगा हाँ मैं ये नहीं कर सकता। और दोस्तों बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं मैं ऐसे कर सकता हूँ, वही दोस्तों इस दुनिया में अमीर और दोस्तों सबसे ज़्यादा कामयाब इंसान बनते हैं, ये दोस्तों मेरा कहना है। तो दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ 9 साल का बच्चा किस तरह अपने डैडी से सलाह लेकर और दोस्तों बहुत बड़ा आदमी बनता है। वो दोस्तों घर पर बैठे ही बैठे उसके पास पैसा आता है, ना कि दोस्तों वो पैसे के लिए काम करता है, पैसा उसके लिए काम करता है। तो दोस्तों आप इस कहानी को पूरा सुनिए और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए। किस तरीके से उसके पास पैसा आ रहा है, ना कि वो पैसे के पास जा रहा है, तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिए। मेरे सबसे अच्छे दोस्त माइक ने अपने डैडी का लंबा चौड़ा कारोबार संभाल लिया है और उसे अपने डैडी से ज़्यादा कामयाबी मिल रही है। हम एक दूसरे से साल में 1-2 बार गोल्फ कोर्स पर मिलते हैं। वह है और उसकी पत्नी इतने ज़्यादा अमीर हैं कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। अमीर डैडी का साम्राज्य बहुत सुरक्षित हाथों में है और माइक अपने बेटे को उसी तरह सिखा रहा है जिस तरह से उसके डैडी ने हमें सिखाया था। 1994 में मैं 37 साल की उम्र में रिटायर हो गया और मेरी पत्नी किम उस वक्त 37 साल की थी। रिटायरमेंट का यह मतलब नहीं है कि हम काम नहीं करते या काम नहीं करेंगे, इसका मतलब यह है कि जब तक कोई चमत्कार ही ना हो जाए तब तक हम काम करने या ना करने के लिए आज़ाद हैं। इसका कारण यह है हमारी दौलत अपने आप बढ़ती रहती है। मुझे लगता है कि आज़ादी इसी को कहते हैं। हमारी दौलत इतनी ज़्यादा है कि यह अपने आप बढ़ सकती है। यह पेड़ लगाने की तरह है, आप सालों तक इसे पानी देते और एक दिन इसे आपकी ज़रूरत नहीं रह जाती है और इसकी जड़ें ज़मीन में काफ़ी गहराई तक पहुंच जाती हैं। इसके बाद पेड़ आपके लिए सुख और छाया देता है। माइक ने साम्राज्य चलाने का विकल्प चुना और मैंने रिटायर होने का। जब भी मैं लोगों से बात करता तो भी अक्सर मुझसे सलाह मांगते कि उन्हें क्या करना चाहिए, शुरुआत कहां से करें और कैसे की जाए, आपकी नज़र में कौन सी पुस्तक सबसे अच्छी रहेगी। शायद कोई भी ठीक से यह नहीं बता सकता कि इन लोगों के साथ ऐसा क्यों हुआ था। यह 1930 की बात है, हम इतना अंदाजा तो लगा सकते हैं कि यह 1929 के मार्केट और बड़ी आर्थिक मंदी के ठीक पहले का समय था। मंदी का इन लोगों पर निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा असर हुआ होगा। देखने वाली बात यह है कि आज हम इन लोगों से ज़्यादा मुश्किल समय में जी रहे हैं। परिवर्तन ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है।